तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो आपके पास है उस पे चार कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सिस मिलते हैं एक साल में, तो उसका फायदा आपको कैसे उठाना है। आप जो ये चार कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सिस है उसका फायदा आप एक महीने में ही उठा सकते हैं, या फिर आपको पूरे साल वेट करना होता है। ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो एक्सिस बैंक है इसके पास काफ़ी सारा क्रेडिट कार्ड है और उसने सारे क्रेडिट कार्ड को सेट वाइज में बांट रखा है। जैसे कि सेट ए में आपका इतना सारा क्रेडिट कार्ड आता है, नीचे बताना आपके पास इसमें से कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड है, और इसी में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी आता है। इसके बाद जो है इसने सेट बी भी बना रखा है, सेट बी में इतने सारे क्रेडिट कार्ड आते हैं और इतने सारे क्रेडिट कार्ड में इतने सारे एयरपोर्ट पे जो है इसका लॉन्च एक्सेस फ्री मिलता है। इसके बाद इसने एक सेट सी भी बना रखा है, सेट सी में इसके इतने सारे क्रेडिट कार्ड आते हैं और ये क्रेडिट कार्ड जो है इस वाले एयरपोर्ट पे जो है वो एलिजिबल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे एयरपोर्ट है सेट सी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सेट सी के लिए काफ़ी सारा एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जो आप लॉन्च एक्सिस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस टर्म कंडीशन के ऊपर हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कि आपको जो चार कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं वो आपको एक साल में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चार कॉम्प्लीमेंट्री, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि चार कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है एक साल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी महीने में, यानी कि अभी चल रहा है फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीने में ही चार बार आपने ट्रैवल कर लिया एयरपोर्ट पे और वहाँ पे चार लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा उठा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो है वो चार क्वार्टर ईयर में आपको चार दिए जाते हैं लॉन्च एक्सेस। और जैसा कि सबको पता होगा कि एक क्वार्टर ईयर में, यानी कि एक साल में जो है वो चार क्वार्टर ईयर होते हैं, ठीक है, सॉरी चार क्वार्टर में बांटा गया है एक साल को, और एक क्वार्टर में जो होता है वो 3 मंथ होता है। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो मैं बता दूं कि ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से पहला क्वार्टर, और पहला क्वार्टर जो चलता है वो 31 मार्च तक चलता है, यहाँ पे 31 आप लिख लेना। इसके बाद जो दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये चलता है 30 जून तक, और इसके बाद यहाँ पे ई होगा। इसके बाद जो तीसरा क्वार्टर है वो 1 जुलाई से चलता है, स्टार्ट होता है और ये चलता है 30 सितंबर तक, और चौथा जो इसका क्वार्टर है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और चलता है 31 दिसंबर तक। तो इस तरीके से जो है एक साल में चार क्वार्टर देखे जाते हैं, यानी कि चार क्वार्टर होते हैं। तो पहले क्वार्टर में आपको एक लॉन्च एक्सेस मिलेगा, दूसरे क्वार्टर में दूसरा लॉन्च एक्सेस, तीसरे क्वार्टर में तीसरा लॉन्च एक्सेस और चौथे में चौथा। तो मान लो कि आपने जनवरी में कोई भी एक क्वार्टर एक्सेस यूज कर लिया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस ले लिया, तो आपको पूरे मार्च में यानी कि वेट करना पड़ेगा, एक भी नहीं मिलेगा उसके बाद। फिर आप नेक्स्ट अप्रैल टू जून में आप नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो ले सकते हैं। तो दो आपने ले लिया, फिर तीसरे के लिए आपको जुलाई से सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, और चौथा जो है आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। तो आप 3 महीने में एक ही कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से तीन तीन महीने में एक, तो एक साल में जो है वो चार कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद इतने सारे क्रेडिट कार्ड के इतने सारे एयरपोर्ट हैं, मैं आपको दिखा दूँ। मैं अपने क्रेडिट कार्ड की बात कर लूँ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है इन 14th एयरपोर्ट पे ही आपको देखने को मिलेगा इसका लॉन्च एक्सेस। जैसे कि दिल्ली में जो है वो प्लाजा प्रीमियम लॉन्च छोटा सा लॉन्च है तो वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बेंगलोर का BLR इंटरनेशनल लॉन्च है, ये काफ़ी अच्छा लॉन्च है, काफ़ी बड़ा सा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लॉन्च कहाँ पे है तो आपको वो भी बता दिया गया है कि इंटरनेशनल टर्मिनल 1 पे है। इसके बाद अगर मान लो कोलकाता में आप लेना चाहते हो तो डोमेस्टिक टर्मिनल 1 पे है, तो आप यहाँ पे जाना तो आपको जो है लॉन्च देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप एयरपोर्ट स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में आते हैं कि क्या हम बिना ट्रेवल किए ये जो लॉन्च एक्सेस है उसका फ़ायदा ले सकते हैं क्या, लॉन्च एक्सेस में खाना वाना खा के आ सकते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको टिकट लेना होता है। जैसे आप टिकट लेते हैं प्लेन का, तो उसके बाद आपको जो बोर्डिंग पास या तो ऑनलाइन बनाना होता है
या फिर आप एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग पास बना लेते हैं, और बोर्डिंग पास बनाने के बाद जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपके सारा सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद जब आप एंट्री करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तब आपको अंदर में ये जो लॉन्ज एक्सेस है वो देखने को मिलता है। ये गेट पे ही नहीं होता है, इसलिए आपको टिकट होना ज़रूरी है। तो जैसे आप लॉन्ज एक्सेस के लिए अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक काउंटर लगी होती है, काउंटर पे आपसे आपका जो है वो बोर्डिंग पास मांगा जाता है, तो आप बोर्डिंग पास देते हो। इसके बाद आपका जो भी क्रेडिट कार्ड उस एयरपोर्ट पे एलिजिबल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट दिल्ली में एलिजिबल है, मान लो कि मैं दिल्ली गया तो मैं फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड इनको दे दूंगा, तो ये चेक करेंगे, और चेक करने के बाद आपका बोर्डिंग पास लेंगे, और बोर्डिंग पास पे जो नाम होगा और क्रेडिट कार्ड पे जो नाम होगा वो दोनों मैच करेंगे। अगर दोनों सेम टू सेम उसको मिल गया तो फिर आपको अंदर एंट्री देने देंगे, और अंदर में आपको फ्री का खाना मिलता है, फ्री का नाश्ता मिल जाता है, पानी सब कुछ आपको फ्री का मिल जाता है, तो आप उसका मुफ्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन की बात कर ले तो यहाँ पे जो सबसे पहला इनका टर्म कंडीशन आता है कि जो यहाँ पे एलिजिबल कार्ड अंडर द प्रोग्राम मीन्स फ्लोविंग कार्ड टाइप इश्यू बाय एक्सिस बैंक ऑन वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क प्लेटफॉर्म विच आर मेंशनेबल। जैसे कि उसने ऊपर मेंशन किया है जो क्रेडिट कार्ड आपका एलिजिबल है उसी पे आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा, और वो जो है वो वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड होना चाहिए। दूसरा जो है एलिजिबल कार्ड होल्डर मीन्स अ होल्डर ऑफ एन एलिजिबल क्रेडिट कार्ड, यानी कि जिसका क्रेडिट कार्ड है वही लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई भाई चला गया उस क्रेडिट कार्ड को लेके, दोस्त या फिर फैमिली का कोई भी मेंबर चला गया लेके, और आप बोलोगे कि मुझे लॉन्च एक्सेस दे दो तो वो नहीं देगा। जिसका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे नाम होगा तो उसी को, और उस जो आपका जो जो भी बोर्डिंग पास है उस पे नाम को, दोनों को मैच किया जाता है। तो एक शब्द में बता दूं तो जिसका क्रेडिट कार्ड होता है उसी को लॉन्च एक्सेस मिलता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिलता है। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये जो जितने भी एयरपोर्ट का जो लॉन्च एक्सेस एक्सिस बैंक ने टाई अप कर रखा है वो 31 अगस्त 2025 तक के लिए वैलिड है। इसके बाद कुछ चेंजेज आ सकते हैं, यानी कि कुछ एयरपोर्ट बढ़ा सकते हैं लॉन्च एक्सेस और कुछ घटा भी सकते हैं, पर 2025 तक तो ये वैलिड है जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है एलिजिबल कार्ड होल्डर विल बी एक्सेस टू ऑल पार्टिसिपेटिंग एयरपोर्ट लॉन्च अंडर द प्रोग्राम बेस्ड ऑन वन ऑफ द फ्लोविंग एंट्री टाइप्स, यानी कि ये जो है जैसे आप एंट्री करते हो तो मैंने काउंटर पे बताया है कि आपका अगर वीजा कार्ड है तो आपको 2 रुपये लगेंगे, और अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पे भी आजकल लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, तो मास्टर कार्ड पे आपको 25 रुपये लगेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास दोनों क्रेडिट कार्ड है तो आप वीजा कार्ड को स्वाइप करना अगर वहाँ उस कार्ड में लॉन्च एक्सेस बाकी है तो, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 रुपये ही लगेंगे। इसके बाद है जो कार्ड होल्डर के अलावा कोई भी उसका गेस्ट जाता है तो गेस्ट का जो है वो अलग से पेमेंट करना होता है, और ये पेमेंट काफ़ी महंगा होता है, 1500 रुपये पर आवर, और 1 घंटे का 1500 होता है, 2 घंटे का ये करीब 2500 से 3000 के आसपास होता है, और 10 घंटे का करीब 4000 के आसपास का होता है, 4 के आसपास होता है, तो 1500 1 घंटे का होता है, तो ध्यान रखें। और अगर 2 आदमी जा रहे हो, एक आप हो तो आपको फ्री मिल गया, और आपके दोस्त को अगर आप 1 घंटा रुक रहे हो तो उसको 1500 देने पड़ेंगे, और 2 घंटा रुक रहे हो तो उसको जो है वो 3000 के आसपास देने पड़ेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप सिंगल हो तभी लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा उठाएं, और अगर आप दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ गए हो और सिर्फ आपके पास ही क्रेडिट कार्ड है तो आप लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा ना ले, आप बाहर में ही खा सकते हो, आपको बाहर में भी सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड, मैंने पहले बताया था, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, और उस पर सिर्फ और सिर्फ आप ही लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद कोई भी चिल्ड्रेन अगर आपके साथ है तो उसका जो है वो फुल गेस्ट चार्ज देना होता है, ये मुझे बहुत ख़राब लगा। एटलीस्ट बच्चों को तो या तो फीस कम कर दो या फ्री कर दो, पर ऐसा नहीं है, उसको फुल चार्ज देने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि 1500 रुपये पर आवर, 2 घंटे का 2500 के आसपास, और 10 घंटे का जो है वो 4000 के आसपास लगता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और बच्चों को तो कम से कम यहाँ फ्री देना चाहिए था। बाकी कुछ कुछ एयरपोर्ट पे जो है आपको कुछ कुछ डिशेज जो होते हैं या ड्रिंक्स जो होते हैं या फिर सोने के लिए अगर आपको जगह चाहिए या फिर मसाज करवाना है तो उसको आपको अलग से पैसे देने होते हैं। बाकी नॉर्मल जो खाने पीने की चीज़ें होती है और सोफ़ा आपको चेयर मिल जाएगा बैठने के लिए, तो ये सब फ्री में होता है।
इसके लिए आपको एक रुपये भी नहीं देना होता है। इसके बाद जो सबसे इसका लास्ट टर्म कंडीशन है, इसमें यही बोला गया है कि आप अपना जिम्मेदारी खुद ही उठाएं, यानी कि अगर आप लॉन्च एक्सेस लेने के लिए आते हो तो आप अपना टाइम टेबल यानी कि आपका बोर्डिंग टाइम कब है वो खुद उस अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी स्टाफ अनाउंस करने के लिए नहीं आएंगे कि आपका बोर्डिंग टाइम हो चुका है यानी कि आपका फ्लाइट उड़ने वाली है आप जाओ यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। अगर छूट जाती है आपकी फ्लाइट, यहाँ पे आप नैप लेने लगे या खाने में लेट करके छूट जाती है, तो इसके जिम्मेदार ना तो लॉन्च एक्सिस वाले होंगे और ना ही एक्सिस बैंक होंगे, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी लॉन्च एक्सिस पे आपको जो है वो फ्री का वाईफाई भी मिल जाता है, पर इसके लिए गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि आपको आईडी कार्ड वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो जनरली आप ट्रैवल करते हो तो आईडी कार्ड तो लेके ही जाते हो, आधार कार्ड तो उसका फोटो कॉपी देना होता है। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बाहर में कहीं भी निकलते हो तो बाहर का वाईफाई जो है उसको बिल्कुल ही इग्नोर करें, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बिल्कुल सही होगा, बाहर के जो वाईफाई होते हैं उसको यूज ना करें। तो ये था कंप्लीट वीडियो लॉन्च एक्सिस के ऊपर। ये तो मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके बताया है, बाकी सारे क्रेडिट कार्ड में जो प्रोसेस होते हैं लॉन्च एक्सिस का वो सेम ही होते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है और उस पर कितने लॉन्च एक्सिस आपको फ्री में मिला हुआ है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके कोई भी शॉपिंग करते हो कहीं भी, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे हो, मिंत्रा पे हो, अमेजोन पे हो या ऑफलाइन हो, पर और उस शॉपिंग को अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद उस पर कितने चार्ज लगते हैं और कौन कौन से चार्ज लगते हैं, जीएसटी कितना लगता है, ये सारा मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।